चोरी, डकैती, बलात्कार, महिलाओं पर अत्याचार, हत्या, भ्रष्टाचार, हर खबर पे है मेरी नजर। हर खबर से करेंगे आपको अपडेट। सच्चाई का मतलब सिर्फ फक टीवी न्यूज। नाज़रीन, वक्त टीवी में आपका खैर मकदम है। मैं मोनिश अहमद और रुख करते हैं आज के खबर की तरफ। बेगूसराय जिला बाशिंदा व इस्लामी स्कॉलर और मजदूर लीडर डॉक्टर एहतशामुल हक अंसारी ने आज बिहार शरीफ के कई महलों का तूफानी दौरा करने के बाद अखबारी नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वजीर आला नीतीश कुमार की क्यादत में बिहार लगातार तरक्की की राह गामजन है। अलबत्त जिला इंतजामिया की नाकिस रवैये की वजह कर सरकार के कई मनसूबों का फायदा आम लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत में आज भी मजदूर तबका के लोग काफी बदहाल है। हालांकि इसके सुधार के लिए सरकार ने कई मौसर इकदाम उठाए हैं, लेकिन जिला इंतजामिया के फाइलों के तले मंसूबों का काम पड़ा है, जिसके वजह कर मजदूर हजरात लगातार परेशानियों में मुब्तला हैं। उन्होंने कहा कि बिहार शरीफ जो बीड़ी मजदूर का शहर है, यहाँ की बड़ी आबादी बीड़ी मजदूर के पेशे में मुलविस है। इसके फला व बहबूद के लिए भी सरकार को कोई मौसर इकदाम उठानी चाहिए। हमने बिहार शरीफ का दौरा किया है। एक तो मकसद है कि गरीबों के काम कितने हुए। अब प्रदेश में हमारी सरकार ने लगभग लोगों का काम किया है, मगर हमने जब बिहार शरीफ के बारे में सुना कि आज भी वहाँ हज़ारों की तादाद में पसमानदा अल्पसंख्यक के बीड़ी मजदूर भाई बहन बेघर हैं और वो किराए के मकान पर रह रहे हैं। सरकार का मंसूबा था कि ज़मीन खरीद कर उन्हें आवास निर्माण की सुविधा प्रदान की जाएगी, लेकिन मैं जिस मोहल्ले में छज्जू बाग और बगल में तकिया पार, भैंसासूर और दूसरे मोहल्ले का दौरा किया तो यहाँ लगा कि एक तो अल्पसंख्यक के कसीर तादाद में लोग बेरोजगारी के शिकार हैं। इनके बच्चों को लॉकडाउन के इस संकट काल में इनका कोई सहायता खास नहीं हुआ। बिहार शरीफ में बिहार शरीफ के लोगों को गर्व होता है कि मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार हमारे ज़िले से आते हैं। ऐसे में हम अपने नेता श्री नीतीश कुमार जी से मांग करेंगे कि अब मजदूरों का भी कुछ भला हो, सभी का, छात्र का और लोगों का, आरक्षण का, जाति का, तमाम लोगों का बिहार में इनके नेतृत्व में हुआ है, नो डाउट। इनके अगुवाई में एक बात बड़ी और साफ हुई है कि बिहार में अमन अमान बहाल रहा है। हिंदू मुस्लिम के जो वारदात होते रहते थे वो ख़त्म हुए हैं। जाति प्रथा पर कटाक्ष हुआ है, लेकिन मजदूरों और गरीबों के लिए मैं देख रहा हूँ कि बिहार शरीफ में ही कुछ नहीं हुआ। यहाँ न कोई ठोस कदम उठाए गए हैं प्रशासन की ओर से। हमको लगता है कि बिहार नालंदा के जो जिला प्रशासन हैं वो सरकार के मंसूबे को नाकाम करने का काम कर रहे हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि इन तमाम अधिकारियों पर वो लगाम लगाएं और मजदूरों का जो विकास कल्याण का काम है, ख़ास तौर पर अल्पसंख्यकों से मैंने अभी दरियाफ्त किया कि इतने राजधानी के सटे रहने के बावजूद बिहार शरीफ के कितने मुसलमानों को रोज़गार के लिए 15 साल में कर्ज मुहैया कराई गई, तो हमें सुल्तान मिले, मोहम्मद आलमगीर मिले, मोहम्मद इलियास साहब मिले, मोहम्मद शहाबुद्दीन मिले। इन लोगों ने कहा कि मुझे तो अल्पसंख्यक वित्त निगम की योजना की जानकारी तक नहीं। ये बड़ा अफसोस की बात है कि अच्छे मुख्यमंत्री के रहते हुए और काम अच्छे नहीं हों, मुझे इसका अफसोस है। मैं डॉक्टर एहतशामुल हक अंसारी, इस्लामिक स्कॉलर, जनता दल यूनाइटेड का लीडर हूँ और पिछले दिनों पूर्व प्रदेश महासचिव जदयू।